टेकपाल भाटिया जी का एक सवाल है, और हमने कल भी इस पे कुछ एक एक्सपर्ट से डिस्कस किया था। ग्लोबस स्पिरिट को एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टोरी के चलते काफी सारे एनालिस्ट, लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा ये काफी हो चुका है यूज, सर डिस्टिलरीज को भी इसमें एथेनॉल वाली स्टोरी का फायदा मिलेगा या शुगर इंडस्ट्रीज को ही मिलेगा? मिलना तो चाहिए सर, लेकिन शुगर इंडस्ट्री को ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली टू डिस्लरीज, ऐसा मुझे लग रहा है। जब ये ग्लोबल स्पिरिट का बात आ रहा है तो अभी भी वही चीज वापस एक बार दोहरानी पड़ेगी, अनचार्टेड टेरिटरी में है तो उसको भी अपना थंब रूल लगा सकते हैं कि अनचार्टेड टेरिटरी में है तो पिछले 2 वीक का लो एज अ स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जाए, जो होल्ड कर रहे हैं, नए एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नई एंट्री नहीं करनी चाहिए। पिछले 2 हफ्ते का जो लो था, और जिसमें रनिंग वीक नहीं लेना है, वो भी विशाल सर ने क्लियर कर दिया। पिछले 2 हफ्ते का लो को स्टॉप लॉस लगा करके उसमें बने रहें, नई एंट्री नहीं लेनी। अनचार्टेड टेरिटरी के साथ में एक ये समस्या भी होती है कि अनचार्टेड टेरिटरी मतलब बहुत हाई, और बहुत हाई का मतलब बहुत महंगा। अब वो बहुत महंगे से वो बहुत सस्ता या कब सस्ता हो जाएगा पता नहीं, तो वो नुकसान वो रिस्क आपका बना होता है कि जहां एक तरफ लग रहा होता है कि बहुत चल रहा है, नए हाई बना रहा है, ये नहीं पता कि वो कब उसका सेचुरेशन आ रहा है या कहाँ पे वो थोड़ी देर आराम करेगा। तो इसलिए बहुत हाई या ऑल टाइम हाईस पे, जहां तक ये विशाल सर ठीक कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि जब बहुत हाई पे चल रहे हैं तो एंट्री नहीं लेनी चाहिए, एक रिट्रेसमेंट के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रुकना चाहिए। एक्चुअली अनचार्टेड टेरिटरी आप जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं सर, लेकिन उसका जो मैं हम लोग मीनिंग पकड़ता है कि अनचार्टेड टेरिटरी एक ऐसा एरिया है जहां पे अब हम लोगों को आगे का कुछ पता ही नहीं है स्टॉक के बारे में। जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत हाईली कॉस्ट है या इट इज हाईली वैल्यूड, पता नहीं कि आगे आने वाले क्वार्टर में शायद से कुछ अनाउंसमेंट आ जाए और वहां यहाँ से भी स्टॉक 2 गुना 3 गुना होने की ताकत रखे, तो दिस इज समथिंग के ये जैकपॉट के जैसा ही होता है, एक बार देखा जाएगा तो। बट वी डोंट नो कि ये जैकपॉट लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, लेकिन इसके साथ अगर जैकपॉट में उतरेंगे नहीं तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। वेल्थ क्रिएशन के लिए हम लोगों को नॉर्मली ऐसे स्टॉक पसंद आते हैं कि जो अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहे हैं, क्योंकि उसमें रिस्क भी आएगा तो एक अच्छे खासे रिटर्न के बाद आता है, तो वो रिस्क अफोर्डेबल हो जाता है एक लेवल के बाद। तो हम लोग डेफिनेटली इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ जैसे आपने बोला कि रिस्क तो बना रहेगा, कि जो अगर कुछ न्यूज बेसिस पे या कुछ रूमर बेसिस पे वो स्टॉक चल रहा है और वो रूमर प्रॉपर नहीं आती है तो इसमें 30-40% का करेक्शन आम है, जो सहना दिक्कत वाली बात हो सकती है। मेरी एक मदद और करिएगा उमेश जी, एक तो यूबीएल पे व्यू, और उसके अलावा यूबीएल के अलावा क्या लिकर स्टॉक्स में कहीं कुछ आपको कोई और स्टॉक दिख रहा है? क्योंकि हाल में हमने ग्लोबल स्पिरिट हमारे किसी एक्सपर्ट ने दिया था और उसमें बड़ा हमें जंप देखने को मिला है, एक बड़ा मुनाफा डबल से भी ज्यादा का, मतलब उन लेवल से दिया था और वो अच्छा चला है। आपको लिकर सेक्टर के अंदर में, वाइन एंड स्पिरिट्स के सेक्टर में कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई चार्ट? पहले मैकडॉवल का चार्ट देख लेते हैं। मैकडॉवल के चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखेंगे स्लाइटली काफी, ये अगर देखेंगे तो ये हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में चल रहा था। अब यहाँ पे मैकडॉवल ने यहाँ पे आज एक जो अपना जो ये अब ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो काफी टाइम बाद आज क्या करा है, इसने ब्रेक करा है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जब भी ये स्टॉक मैकडॉवल का स्टॉक जब हाई बनाएगा अपना 674 का, 674 का हाई बनाने के बाद स्टॉक की जो कीमत आपको आने वाले वक्त पे देखने को मिलेगी वो 690 से 700 के आसपास देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर मैं इसका डेली का चार्ट देखूं तो डेली के चार्ट पे यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर काम तो करा रहा है। अब ये देखिएगा पहले जो इसका रेजिस्टेंस था वो 661 का था, उसके बाद इसने लो जो बनाया वो बनाया 590 का, देन फिर से अभी इसने लो बनाया है 684 का। बट यहाँ पे एक चीज और है जो बताना चाहूंगा, जो अभी फिलहाल 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो हाई बना था इसका 684 का, वहां हाई और ओपन स्टील था, और अभी जो इसका रेट चला है वो चल रहा है 667 का। तो अभी फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है, बट ये जब 674 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहां से अगर ये रिवर्सल करता है और ब्लॉक पैटर्न बनाता है,
है ना, आपको 700 के रेट आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं बैंक बबल में। सेम वैसे ही अगर मैं वीकली चार्ट पे बात करूं तो वीकली चार्ट पे भी 674 के ऊपर ही एक कंफर्मेशन दे रहा है, और वहां से आपको 700 के ऊपर भी अगर मैं बात करूं और लॉन्ग टर्म की 6 महीने की या फिर 1 साल की, तो वहां से आपको 1000 के आसपास के रेट भी आपको जल्दी मैकडॉवल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय है मैकडॉवल पे। लेकिन उसके अलावा उमेश जी, कोई सा ऐसा लेकर इंडस्ट्री में कोई और शेयर जो, या अगर उसमें से उन सारे चार्ट्स में अगर आपको कोई याद होगी सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा चार्ट है? इसके अलावा तो और कोई खास चार्ट नहीं है, इसके अलावा तो मैकडॉवल ही मैं काफी टाइम से यहाँ पे देख रहा था, काफी मैकडॉवल का चार्ट तो अभी फिलहाल तो ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है, और मैं खुद इस पे 674 के ऊपर मैं इसमें खुद बाइंग करना पसंद करूंगा। साथ साथ UBL आपने मेरे से डिस्कस किया था जी, हाँ जी, UBL का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो UBL के चार्ट में 4 hourly चार्ट पे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है अगर मैं UBL की बात करूं तो यहाँ पे देखते हैं ये अपना जो नया हाई था इसका, जो लास्ट हाई बना था 2019 के आसपास, वो था 1490 के आसपास। तो एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक जो है 1490 के आसपास जरूर जाएगा। 1493 का ऑलमोस्ट इसने हाई बना दिया है, 1493 के आसपास का इसने हाई बना दिया अपना, और जब तक ये 1500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता तब तक इसमें कोई खास तेजी नहीं है। और वहीं पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, और जब ये 137 के नीचे ट्रेड कराएगा तो इसमें एक आपको भारी रिकॉलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय है UBL और मैकडॉवल दोनों पे। अजीत सर, एक सवाल है, और साथ ही साथ इसको हम आजकल कुछ एक चर्चा में ये सब्जेक्ट या ये सेक्टर है स्पिरिट्स सेक्टर, और अनलॉक के थीम का भी एक प्लेयर बताया जा रहा था, एथेनॉल वाली स्टोरी का भी एक प्लेयर बताया जा रहा था, इसके चलते बार बार इसमें बहुत सारे सवाल, और एक खासकर ग्लोबस स्पिरिट, तो ग्लोबस स्पिरिट एक, और उसके अलावा लिकर सेक्टर के अंदर में कैसे देखते हैं, और क्या उसके अंदर में कोई ग्लोबस से बेटर कोई आपको कैंडिडेट दिखाई देता है? देखिए, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो लवली जी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न इस मंथ में हो चुके हैं ग्लोबल स्पिरिट में, और अब स्टॉक भी ट्रेड टू ट्रेड में जा चुका है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आप सर्किट फिल्टर में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक को देख रहे हैं, और ये स्टॉक अब ट्रेड टू ट्रेड में भी है तो आप इंट्राडे में एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट्स एन अवॉइड। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आफ्टर दिस काइंड ऑफ मूव लाइक 100% के बाद वेदर इट इज ओके टू गेट इन टू द स्टॉक और नॉट, ये थोड़ा सा एनालाइज करने वाली बात है कि वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बट ओवरऑल स्पिरिट पे डेफिनेटली मैं अभी से नहीं, काफी लंबे टाइम से उस पर फोकस एरिया है, और यहाँ पे मेरा पसंदीदा जो मैंने खासतौर से बहुत बार रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को वो रेडिको रहा। रेडिको में हमने स्टार्ट किया था रिकमेंड करना करीब 150 के लेवल पे, अभी 750 के लेवल पे है ये, तो 2-3 बार अपॉर्चुनिटी मिली हमको कि एक बार 150 से हमने करीब 450 के अराउंड पे एग्जिट किया, फिर हमने दोबारा 450 में एंटर किया और करीब 720-730 के अराउंड पे एग्जिट किया। अभी भी यहाँ पे मोमेंटम इंटेक्ट है, बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि इन स्टॉक्स में ड्यू टू दिस थीम और न्यूज काफी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वाजिब है इनफैक्ट इन रेडिको को देखना, तो बेटर है कि अभी स्पिरिट्स काउंटर्स को थोड़े टाइम के लिए कूल डाउन होने का वेट करिए, थोड़ा सा इसको दूर रहिए, और यू नो जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जिन सेक्टर्स में उन्हीं पे फोकस करिए। इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली शुड टेक अ हेल्प फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिस्ट की, जो कि आपको बता पाए कि इन वैल्यूएशंस पे वेदर यू शुड एंटर नॉट नॉट, पर थोड़ा ओवररेटेड तो डेफिनेटली है। ठीक है, तो महंगा है अभी और उस हिसाब से ये बता रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा दिखना है तो रेडिको है।